प्रोफेसर साहब, हिसाब तो होगा, लेकिन अगर आपने तय कर लिया है तो इस बार सारे बंगले की मरम्मत कराइए। सबसे पहले वो बावर्ची खाने की छत, फिर कुतुब खाना, और उसके बाद सुरैया बिटिया का बाथरूम। सुरैया बिटिया का बाथरूम, वो क्यों? वो तो ठीक है। जब वो पिछली दफा यहां आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि गोविंद चाचा मेरे बाथरूम की टाइल्स बदलवा दीजिएगा। इसलिए 7 बरस हो गए इस बात को। उसके बाद कितनी बार आई है वो यहां? ये लीजिए, इसमें बिटिया की क्या गलती है, उसे वीजा ही नहीं मिल रहा। ये बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा गोविंद, एक काम करते हैं, फिलहाल सुरैया बिटिया का बाथरूम रहने दो। वो जब आएगी तो अपनी पसंद की टाइलें खुद लगवा लेगी, ठीक है? फिलहाल तुम कारपेंटर को बुलाओ, जो जो मरम्मत होना है वो उसे दिखा दो। हाँ, सबसे पहले मेरे कुतुब खाने की अलमारियों की मरम्मत करवाओ, उसके बाद बाकी कुछ हो। उसके लिए आपको 1-2 अलमारी नई खरीदनी पड़ेगी, हमेशा आपकी किताबें बाहर पड़ी रहती हैं। तुम्हारा इशारा मैं समझ रहा हूं, ठीक है, 1 अलमारी नई भी ले लेंगे। गोविंद, जिस तरह से इन बच्चों ने उर्दू सीखने में दिलचस्पी दिखाई है, उससे मुझे लगने लगा है कि उर्दू जबान को फिर से जिंदा किया जा सकता है। उम्मीद की एक रोशनी दिखाई देने लगी है मुझे। पर उसकी पहल तो उनके वालिदैन को करनी पड़ेगी, बच्चों का उर्दू जबान से तारुफ कराना पड़ेगा। अब देखिए ना, आपने पहल की तो सब कैसे अपने अपने तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं गोविंद, कुतुब खाने को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक मसाला और भी है। वो क्या? लोगों को समझना पड़ेगा कि उर्दू जबान सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, हिंदुस्तान की जबान। प्रोफेसर साहब, पहले तो ऐसा ही था, फिर पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है गोविंद। बस अपने दिलों पर लगी काई को मिटाने की जरूरत है। माजी को भूलकर मुस्तकबिल के बारे में सोचने की जरूरत है। फिर सिर्फ उर्दू जबान का मसला ही नहीं, और भी कई मसाइल के हल निकल आएंगे। गोविंद, हमारी चाय का वक्त हो गया भाई। मैं भूल गया बातचीत में, अभी लेके आता हूं। अरे बज्जू मास्टर, छोड़ो ना सतीश शिल्पा को, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, क्या करना है? अरे उससे थूक दो यार। अरे बज्जू, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आई वुड लव टू बी डिस्टर्ब बाई यू। नाहिद बेटा, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। थैंक यू सर। कुछ कहना है? नहीं सर, कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। सब ऐसा क्यों होता है, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? नाहिद, मैं कोई नजूमी नहीं हूं। मुझे क्या पता, मैं तो खुद भी नहीं जानता। बेटा, ये सब अल्लाह ताला का खेल है।
हम सब उसी के हाथ की कठपुतलियां हैं। लेकिन ये सवाल इस वक्त तुम्हारे जहन में क्यों और कैसे आया? वो बस ऐसे ही मैं नीचे पता नहीं था तुम भी यहाँ हो। चाय पियोगे बेटा? नहीं चाचा शुक्रिया। सब आप चाय पीजिए, मैं फिर आती हूँ। हाँ लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी, याद रखना। शुक्रिया शुक्रिया गोविंद, वक्त की पाबंदी इसका अपना ही लुत्फ है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने कहानी पढ़ी, कन्हैया लाल कपूर ने लिखी, मैं तो पढ़ते पढ़ते लोट पोट हो गया। क्या बात? इतनी मजेदार कहानी। अच्छा हाँ। इस बारे में और कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है वाकफियत, मतलब जान पहचान। कहानी क्या ये बताओ यार। सुनो ध्यान से, लाहौर के एक छोटे से कस्बे में हम जैसा नौजवान रहता था। नई नौकरी थी इसलिए ज्यादा किसी से जान पहचान नहीं थी। एक दिन उसके गांव से एक बुजुर्ग आते। अरे सलीम बेटा सलीम। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। अच्छा बेटा ये बताओ कि खान अक्कड़बाज खान सब इंस्पेक्टर कोटलीपुर पुलिस स्टेशन को जानते हो? नहीं चाचा। हवलदार तलवार सिंह को तो जरूर जानते होगे बेटा। नहीं चाचा। बेड़ा गर्क। किसका? अरे मेरा तुम्हारा और अख्तर का। चाचा बात क्या है? अरे बेटा तुम तो अख्तर के मिजाज से वाकिफ ही हो। जी। जिस दिन झगड़ा मोल ना ले उसका खाना हजम नहीं होता। अभी परसों की बात, अपने दफ्तर के सुपरिटेंडेंट से झगड़ा मोल ले लिया, चाकू से हमला किया उस पर, चाकू से। वो तो कहो अल्लाह की खैर हुई कि जख्म गहरा नहीं है, ना लेने के देने पड़ जाते। अब बेटा मामला फौजदारी का है, पुलिस तो बेटा तफ्तीश करेगी, तो मैंने सोचा शायद तुम्हारी जान पहचान पुलिस में हो तो कुछ ले दे के कह सुन के मामला रफा दफा करवा दे। लेकिन बेटा तुमने तो लुटिया ही डुबो दी। चाचा पूरे कस्बे में सिर्फ मैं दो लोगों को जानता हूँ, एक माता दीन पनवाड़ी और दूसरा चिरंजी लाल धोबी। हाँ बेड़ा गर्क। भाई बेड़ा गर्क, मेरा तुम्हारा और अख्तर। भाई बेड़ा गर्क कहकर बुजुर्ग चला गया। वो तो मैं समझ गया कि वो किसी की सिफारिश चाहता था, और नौजवान तो किसी को जानता भी नहीं था। लेकिन फिर हुआ क्या? 3 हफ्ते बाद बुजुर्ग फिर नौजवान के पास आए। ओह माय गॉड, फिर वापस आ गया। अरे बेटा हीरालाल सब जज को जानते हो? नहीं चाचा। नहीं? अच्छा मोतीलाल रीडर से जान पहचान है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं चाचा। अच्छा ये बताओ कि चांदी लाल चपरासी से सिफारिश करा सकते हो? नहीं चाचा। बेड़ा गर्क। अरे चाचा चाचा। बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क कहकर बुजुर्ग फिर चला गया। यार ये हो क्या रहा है? लेकिन भाई कहानी बड़ी दिलचस्प है। बहुत अच्छी। लेकिन चाचा ये बताओ कि आगे क्या हुआ? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस बुजुर्ग की प्रॉब्लम क्या है। सुनो सुनो मैं बताता हूँ। उसके बेटे अख्तर को चाकू से हमला करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, तो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत थी। वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये बताओ कि आगे क्या हुआ? नौजवान को एहसास हुआ कि ये तो बिल्कुल गलत है, मैं किसी रुसूक वाले शख्स को जानता नहीं। आज तो ये अख्तर का मामला है, कल अगर मुझ पर कोई मुसीबत आन पड़ी तो। ये सोचकर उसने ठान लिया कि अपनी जान पहचान का दायरा बढ़ाया जाए। उसके मोहल्ले में एक सब जज रहता था, उसने सोचा क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। जी कहिए। साहब से मिलना है। ठीक है
अपना नाम लिख दीजिए। हाँ जी बैठिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए। फरमाइए। कैसे आना हुआ? यूं ही। नहीं नहीं, पहले आप, पहले आप, हाँ पहले आप। शुक्रिया। बहुत गर्मी पड़ रही है। जनाब, लाहौर की गर्मी से खुदा बचाए। लेकिन जनाब, लाहौर की सर्दी गर्मी से ज्यादा तकलीफ दे। अब सिर्फ पतझड़ की बात रह गई है, उसके बारे में भी कह डालिए। नहीं नहीं जनाब, बाहर का मौसम तो आप भूल ही गए हैं। आखिर चंद खत्म हो ही गई। जी हाँ, काम की बात कीजिए। आपको मेरी बात पसंद नहीं आती तो आप ही कुछ फरमाइए। मैं आपकी तरह बेकार नहीं हूँ, आप तशरीफ ले जा सकते हैं, जाइए। हुजूर, हुजूर, हुजूर। लेकिन आप मुझसे मिला कीजिए, माता दीन पंडवाड़ी से पूछ लीजिएगा, मेरा घर पास में ही है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। माला दीन। बड़ा ही बेवकूफ सा लगता है तुम्हारी कहानी का ये लोग। आगे तो सुनो, जब सब जज के यहाँ उसकी दाल नहीं गली तो हमें बता, तो उसने पुलिस स्टेशन की तरफ रुख किया। ओह माय गॉड, पुलिस स्टेशन। अरे उसने सोचा पुलिस वाले बड़े काम के लोग होते हैं, उनसे ही दोस्ती गांठी जाए। जी कहिए। साहब से मिलना है। अभी आ रहे साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। चीनी कम है। अरबाज, चीनी लाओ। आप ठीक हैं? इंस्पेक्टर साहब, आपका पेशा भी बड़ा अजीब है, हमेशा चोरों और बदमाशों से पाला पड़ता है आपका। हमेशा नहीं, अभी आपके आने से पहले कुछ मुअज्ज़ज़ लोग मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मैं तालीम के दफ्तर में काम करता हूँ और तालीम का इदारा सबसे आला है। वैसे आप यहाँ किस लिए तशरीफ लाए हैं? इंस्पेक्टर साहब, मान लीजिए कि मेरे दोस्त ने गुस्से में आकर किसी का कत्ल कर दिया, तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? मैं उसे जेरे दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत गिरफ्तार कर लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा ना कीजिएगा, खुदा के वास्ते ऐसा ना कीजिएगा। वो मेरा दोस्त है, मैं तालीम के इदारे से वाबस्ता हूँ और तालीम का इदारा सबसे आला है। कानून कानून होता है,
मैं कानून नहीं तोड़ सकता। इंस्पेक्टर साहब आप भी अजीब हैं। हद है, मैं उस जुर्म की बात कर रहा हूँ जो वही नहीं है, और आप मेरे दोस्त को फांसी पर लटकवाने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो और मेरी चाय पी रहे हो। चलो फौरन पुलिस स्टेशन से निकल जाओ। मेरे लिए कब चाय लाओ। But how sweet, वो बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अपनी जान पहचान बढ़ा सके और लोग हैं कि भगाते जा रहे हैं, भगाते जा रहे हैं। वो इसलिए शिल्पा क्योंकि उसका तरीका गलत है। वो लोगों से वो करने को कहता है जो सही नहीं है। लेकिन आगे क्या हुआ? कोई उसका जान पहचान वाला कोई कोई दोस्त बना के जब वो वापस आ रहा था रास्ते में एक पागल खाना पड़ता था। सुनना यार। उसने सोचा क्यों ना पागल खाने के सुपरिटेंडेंट से दोस्ती बढ़ाई जाए। एक मिनट कौन है आप? किससे मिलना है आपको? जी मैं जनाब 25 नंबर 3 घंटे से चिल्ला कर कह रहा है मैं हुकुम का इक्का हूँ। क्या किया जाए? उस हरामी को कोड़े लगाओ, यूं ठीक हो जाएगा। जी आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। जी मैं सलीम अख्तर हूँ। हाँ जी। हुजूर नंबर 32 अपना सर सलाखों के साथ पटक पटक कर लहूलहान कर लिया है। मुश्किल कस दो उसकी और डाल दो काल कोठड़ी पे। आप बताइए। जी बैठिए आप। आइए। हुजूर अगर मेरा मुसन्निफ दोस्त पागल हो जाए और पुकारना शुरू कर दे, मैं प्रेमचंद हूँ, मैं टैगोर हूँ, मैं सादत हसन मंटो हूँ, मैं उपेंद्रनाथ अश्क हूँ, मैं ख्वाजा अब्बास हूँ, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगा कि प्यारे तुम प्रेमचंद नहीं तूनी चंद हो। अगर वो फिर भी नहीं माना तो मैं उसे कोड़े लगवाऊंगा, यूं मान जाएगा। नहीं नहीं हुजूर ऐसा गजब ना कीजिए, लेखक पहले से अधमरा होता है। क्या आपको मालूम नहीं कि पागल सिर्फ चाबुक से डरते हैं? हुजूर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उसे शमसुल उलेमा के खिताब से नवाज दें? अजीब बात करते हैं आप। हुजूर अजीब बात मैं करता हूँ कि आप पूछ लीजिए किसी से। किससे पूछूं? यहाँ सब पागल रहते हैं। हुजूर पागल बड़े समझदार होते हैं। शेक्सपियर ने कहा है कि आशिक शायर और पागल सब एक थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। नजदीक आइए। मैं इस काबिल कहाँ? अगर आपको आंखों में आंखें डालने का इतना ही शौक है तो किसी अच्छी चीज से आंख मिलाइए। आप काम क्या करते हैं? पढ़ाता हूँ। कितना घंटा काम करते हैं? 12 घंटे। दूध पीते हैं? कभी कभी। नींद आती है? जब लगातार 5 पीरियड लेता हूँ तो नींद नहीं आती। हुजूर मुझे पहले से शुभ था। चंद्रम हाँ हुजूर पहचानते हैं? वही है वो जो पिछले साल कमरा नंबर 40 से भागे थे। जनाब इनकी शक्ल 40 नंबर वाले से मिलती जरूर है लेकिन ये वो है नहीं। मिलती तो है ना, डाल दो अंदर पकड़ के। डाल दो। हाँ
हुजूर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी जी ठीक है। नहीं मतलब आपके ये कपड़े अपड़े देख के लग रहा है कहीं से लड़ाई झगड़ा करके आए हैं। नहीं मैं लड़कर नहीं आ रहा, अपनी जान बचा कर आ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको यहाँ नहीं मिलता। तो कहाँ मिलते? पागल खाने में। पागल खाने में क्यों? कमरा नंबर 40 का पागल भाग गया था। मतलब नहीं नहीं मैंने पिछले साल भाग गया था। पिछले साल? अभी कमाल का मजाक करते हैं, एकदम अलग अंदाज आपका। जनाब मेरी मजाक करने की आदत नहीं है। वैसे आप है कौन? हुजूर यूं समझ लीजिए कि आपकी ही तरह। आप भी किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? मैं भी क्यों, आप किसको ढूंढ रहे हैं? जी मैं। वैसे आप करते क्या हैं? हुजूर यही तो मसला है कि हम कुछ करते नहीं, बस बड़े बड़े लोगों को ढूंढते रहते हैं। वो किस लिए? उनकी जेब काटने। क्या? वैसे एक बात बताऊं, हाँ? आप बड़े आदमी नहीं है। हाँ? हाँ, आपकी जेब में सिर्फ 1.5 रुपया है, 1 रुपया और 2 चवन्नी। मेरी जेब में? हाँ। आपको कैसे पता? मैं टटोल चुका हूँ। हाँ? हाँ, ये हुनर है, जेब कतरा हूँ। क्या? हाँ, चलता हूँ। सुबह सुबह से फकीर मिल गया धंधा चौपट। अच्छा पान बनाना ही काफी नहीं है, अगर आपको पान खाने का सलीका नहीं तो सब बेकार। आप पान का लुत्फ तो उठा ही नहीं सकते। भैया हम बचपन से पान खा रहे हैं, लेकिन पान खाने के तरीके के बारे में मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। देखिए, जब आप पान की गिलोरी मुंह में डालते हैं यूं समझिए कि किसी हसीन खातून के लबों को सहला, इतनी नजाकत से पान को खाए, उसके बाद कहिए माता दीन पनवाड़ी का कहना सही था या गलत। अरे बेटा माता दीन। हाँ चाचा। जो कोने के मकान में एक लड़का रहता है ना, क्या नाम उसका? सलीम। सलीम सलीम, बता सकते हो कहाँ मिलेगा? अरे चाचा वो तो अपनी ही धुन में रहता है, अगर घर पर नहीं तो कुछ पता नहीं कहां गया है और कब वापस आएगा। बेड़ा गर्क। जनाब किसका? अरे मेरा और किसका। अरे माता दिन का पान खाते जाइए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ अपना बेड़ा गर्क है, इन्हें बीड़े की पड़ी है। तो कमाल करते। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी एक बुजुर्ग बड़ी बेताबी से ढूंढ रहे थे आपको। कहाँ गए वो? चले गए वो तो। खुदा का शुक्र हमारी मुलाकात नहीं हुई उनसे। क्यों भला? अरे बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। आपके हाल तो ठीक है ना? आपकी दुआ है, एक पान लगाइए ना। हाँ हाँ। और वो आपकी बकरी ललिता के क्या हाल है? अरे बकरी बकरी तो कमाल कर रही है साहब। अच्छा। 3.25 शेर दूध देती है। सच? हाँ। लेकिन ये आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? धूप में चलता हुआ आ रहा हूं ना इसलिए। नहीं साहब ये बात नहीं है, आपका जिगर बढ़ गया है। जिगर? सुनिए बकरी का दूध पिया कीजिए, कहे तो भिजवा दूं। जरूर जरूर। हाँ साहब सेहत का ख्याल रखा कीजिए आप, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। ले लीजिए। भाई कमाल की कहानी थी, बिल्कुल कमाल की, लेकिन बहुत ही सैड स्टोरी थी। जान पहचान बढ़ाने के चक्कर में
वो बेचारा नौजवान बीमार और परेशान होकर घर लौटा। लेकिन लेकिन माता दी ने तो उसकी बीमारी ही पकड़ ली, बोला जिगरा बड़ा हो गया है तुम्हारा। कमाल है, मैं वहाँ खाना बना रहा हूँ और तुम लोग यहाँ गप्पे मार रहे हो। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि जब तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम आवाज दोगे। अच्छा, आवाज देते देते गला सूख गया मेरा। सॉरी यार बज्जू, सतीश हमें कहानी सुना रहा था, बहुत बढ़िया है, उसका नाम है वाकफियत। और बज्जू बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। ये अच्छी बात नहीं है यार, तुम लोगों ने वादा किया था ना मदद करने का, पर नाहिद कहाँ है? हमें क्या पता, अपने कमरे में होगी। नाहिद वहाँ प्रोफेसर साहब के साथ बैठी थी। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ रास्ते खुले हैं कि नहीं। गोविंद चाचा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, तुम गोविंद जी के साथ जाओ, मैं और शिल्पा बज्जू की मदद करेंगे। ओके चलो चलो चलो। हम वार करेंगे आपके मुस्तकबिल की राहें। एक्सपर्ट किस